हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक और मेरे चैनल का नाम है बेस्ट पे स्पीकर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचआर एप्स के थ्रू आप किसी भी न्यू वेबसाइट के जो कीवर्ड्स रहते हैं वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट कीवर्ड्स और न्यू रैंक्ड वेबसाइट, या किसी लो अथॉरिटी साइट्स जो रहती है उनके कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए फाइंड आउट करें, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग, चाहे वो आपका ब्लॉग एफिलिएट मार्केटिंग इंडियन हो या US का हो, UK का हो, इटली हो या फ्रेंच हो या कोई भी हो, फ्रांस हो या कुछ भी किसी भी कंट्री का एफिलेट हो, तो आपको उस वेबसाइट जो है उस वो एंटर करनी है। मैं मोस्टली अमेरिकन का US का ही करता हूँ, तो फिर मैं उसी का सर्च करूँगा amazon.com। तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपको इजीली वो मिल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैकलिंक्स में जाना है आपको। बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा है US के साइट्स की, अराउंड 2.57 बिलियंस, सो मे बी इट विल टेक सम टाइम। तो फिर दोस्तों, ये एक अच्छा तरीका है, बहुत इजी तरीका है आपको कीवर्ड्स लो कंपटीशन वाले जो लो अथॉरिटी साइट्स ने रैंक किए हुए वो फाइंड आउट करने का। तो आप इजीली इस वे से कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा ये पेज ओपन हो चुका है बैकलिंक्स, जहाँ पे हम देख सकते हैं इतने सारे बैकलिंक्स हैं। हमें क्या करना है, आप यहाँ पे एक वर्ड सर्च करना है जो रिलेटेड आपके एफिलेट कीवर्ड्स के रिलेटेड हो या कुछ भी हो। मोस्ट ऑफ पीपल क्या सर्च करते हैं, लोग या क्या सर्च करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिव्यू, बेस्ट बाई गाइड, तो फिर हम टाइप करते हैं रिव्यूज। ओके, उसके लिए हम ढूंढना है, इसलिए इंक्लूड रखना है यहाँ पे। तो फिर ये भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आने वाले यहाँ पे। वो जब आएगा तब एक दो स्टेप्स हमें करने हैं, उसके बाद हमारे पास वो लो अथॉरिटी साइट्स होगी जहाँ से हम उनके कीवर्ड्स चुरा सकते हैं या कीवर्ड यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उनसे। और उनके ऊपर आपको कंपटीटर्स जो है न्यू वाले उनसे अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखना है, और कुछ उनसे उन्होंने जो बैकलिंक्स बनाए उनसे अच्छी बैकलिंक्स आपको बनानी है, और आपका जो ब्लॉग है या आर्टिकल है वो रैंक हो जाएगा गूगल पे, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो फिर दोस्तों, ये हमारा आ चुका है। तो फिर हमें क्लिक करना है DR के ऊपर। DR जो असेंडिंग एंगल में, असेंडिंग अरेंजमेंट में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, जो यहाँ से 0 या NH से शुरू होगा। तो फिर उससे हमें जो लो थ्रेड साइट से वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे जो अथॉरिटी लो अथॉरिटी साइट्स वाले जो फर्स्ट पेज पर रैंक है वो आए हैं, इनमें अब हमें ट्रैफिक सेट आउट करना है। अब हम ट्रैफिक सेट करते हैं 300 से 800 तक। ओके, 300 to 800 आप सर्च कर देते ताकि आप हमें एक अच्छी खासी ट्रैफिक वाली साइट्स में रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं एफिलेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना ही चाहिए, उतना नहीं है। अगर आपके पास 100 का ट्रैफिक है उनमें से 10 बाय जो विजिटर्स है वो बाय कर लेते हो तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ साइट्स पे बहुत सा लाइक 10K 20K विजिटर्स आते हैं पर उनको ज़्यादा सेल्स मिलते नहीं, तो उसके मुताबिक हमें आपको बायर इंटेंट कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं ताकि आपके जो ब्लॉग के ऊपर विजिटर्स आते हैं वो आपका जो प्रोडक्ट है वो एफिलिएट लिंक है वहाँ से उस स्टोर पे जाके बाय करें, अमेजोन के साइट पे आकर बाय करें। तो फिर ये हमारा टारगेट रहता है। तो फिर ये जो साइट्स आई है ये बहुत
लोग अथॉरिटी साइड से और उनके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक है, उनके पास जो कीवर्ड्स है ये जो देख सकते हैं, ये जो कीवर्ड्स है ये 400 कीवर्ड्स है, 178 कीवर्ड्स है, ये 435, ये आप कॉपी इजीली कर सकते हैं, ये कॉपी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती ज़्यादा से ज़्यादा। भी यस हम देख सकते हैं ये सब कीवर्ड्स है, उनके लिए रैंक है, फर्स्ट पेज पे ये रैंक है, ये कीवर्ड जहाँ जिसका वॉल्यूम 350 है HRS वॉल्यूम, तो फिर इनमें से अगर 31 के जो साइड पे ऊपर आता है ट्रैफिक, उनमें से अगर दो या तीन लोग भी बाय कर देते हैं तो फिर भी उसको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। तो फिर आप भी आपको ज़्यादा अगर ट्रैफिक वॉल्यूम वाला कीवर्ड अगर आप प्रेफर करोगे तो आपको कंपटीशन भी उतनी मिलेगी, तो इसीलिए आप लो ट्रैफिक वाला वॉल्यूम वाला भी कीवर्ड आप ट्राई कर सकते हो, और वो इजी टू रैंक होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी इजी टू रैंक होता है, और उसका जो वॉल्यूम जिसका कम रहता है लाइक एफिलिएट के लिए मिनिमम 200 के ऊपर जो वॉल्यूम वाले कीवर्ड से वो आप प्रेफर कर सकते हो, और ये अच्छा खासा तरीका है नई रैंक या लो अथॉरिटी साइट्स जो रैंक है गूगल पे उसको फाइंड आउट करने का, उनके कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करने का। तो फिर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अच्छे खासे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।